आपको बच्चों की बर्थडे मुबारक हो एडवांस में आज ही बर्थडे। और माशाल्लाह आप भी प्यारी लग रही हैं इस ड्रेस में, आपका ये ड्रेस बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दें, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखें। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बर्थडे है, तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अब्बू के कपड़े रेडी करके खड़े कर दिए वॉशरूम में और मैंने अपने भी अपने कपड़े जो थे वो भी रेडी करके खड़े कर दिए। तो हर किसी के ड्रेसेस जो है वो रेडी हैं बिल्कुल, बस अभी तैयारी करने की बारी है। अब सब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद बस तैयारी शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां पर जो है जल्दी पहुंचना है, दिन का दिन शूट करना है क्योंकि दिन को जो है वीडियो अच्छी आती है, रात हो जाती है ना तो वीडियो अच्छी नहीं आती, तो इस वजह से हमें जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। और दिन के ही टाइम जो है सब चीज़ें होगी, केक कट होगा, वीडियो शूट होंगी, पिक्चर बनाएंगी, ये सब चीज़ें दिन के दिन ही हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुस्फा को और अब्बू को लेके हजाम की शॉप पर, तो वहाँ से अब्बू के भी थोड़ा सेटिंग करानी है, दाढ़ी सेट करानी है और मुस्फा के जो है हेयर कट कराने हैं। और तमाम यूट्यूब फैमिली का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी वाइफ सितारा को जो इतना सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया है और किसी चीज़ का अपने दिल में लालच रख के सपोर्ट नहीं किया। बहुत ही अच्छी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने मेरी वाइफ सितारा को इतना सपोर्ट किया और आज उन्हीं की बदौलत हम ये चीज़ें, खुशियाँ, ये सब चीज़ें उन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरी वाइफ सितारा को अल्लाह पाक ने इतना तरक्की दी है, अपने बच्चों का जो है लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज किया है और वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हो रही हैं और अच्छा खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हाल में पहले भी थे खुश हैं, अब भी खुश हैं, तो अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यूट्यूब फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आज उन्हीं की बदौलत हम ये सब चीज़ें, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से अभी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी जैसे कोई भी खुशी आती है तो वो सब साफ ज़ाहिर है, वो हमारी वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें वॉच करते हैं, कोई भी खुशी होती है तो अच्छा सा हम सेलिब्रेट करके दिखाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अल्लाह पाक सभी को हंसता मुस्कुराता रखे। सुबह सुबह हम आ गए गार्डन की तरफ, मैं गार्डन को पानी लगा रहा हूँ और गाड़ी के ऊपर मैंने पानी भी लगा दिया। तो मुस्तफ़ा जो है गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राई कर रहा है। आपको और अब्बू को लेके जाना है आपके हेयर कट कराने, और गार्डन को भी मैंने अच्छे तरीके से पानी लगा दिया क्योंकि पानी अभी आ रहा है ना लाइन का, तो मैंने कहा चलो ये गार्डन को भी पानी लगा दूँ और टैंक भी भर जाएगी और ऊपर वाला टैंक भी भर जाएगा तो ये काम सही हो जाएगा। हम सैलून पहुंच चुके हैं, ऊपर चार पांच सैलून जो है ना इकट्ठे हैं, नीचे बेसमेंट पे भी हैं और ऊपर भी हैं। अब्बू ने भी खत बनवा लिया और मुस्तफा ने भी हेयर कट करवा लिया। ये तो अब्बू ने खत बनवाया और मुस्तफा ने हेयर कट करवाया, तो अभी हम वापस घर पहुंच चुके हैं। और ये जो आपको गिफ्ट नज़र आ रहे हैं अभी इनको जाके पैक करवाना है अच्छे तरीके से, इनकी जो पैकिंग होती है। बस अभी चलते हैं जल्दी से क्योंकि और भी काम रहते हैं। जी तो अभी मैं आ गया हूँ टॉय शॉप पर और नीचे जाता हूँ, वहाँ से जो है गिफ्ट पैकिंग जो शीट होती है वो लेता हूँ। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं और हमने जल्दी से निकलना है, तकरीबन 1:30 बजे तक यहाँ से निकलना है। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, मेरी वाइफ सितारा के जो है फोन आ रहे हैं बार बार। तो मैंने यहाँ से बर्थडे शीट जो है वो ले ली है, ये वाली मैंने ली है। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी तैयबा जो है वो परी लग रही है, देखो कितना खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। आपको मुबारक हो आपकी बर्थडे। ये अभी तक नहीं रेडी हुई, क्या कर रही हो, जल्दी से रेडी हो जाओ चले। और अब मेरी बेटी जो है आयत, उसने रेडी होना है, तैयबा जो है वो रेडी हो चुकी है, जल्दी से आप रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको लेके चलूँ। मेरा बेटा मुस्तफ़ा भी रेडी हो गया, असल में तैयबा जो है ना वो पहले रेडी हो गई, इस वजह से ये रो रही है। चल अच्छा ड्रेस बड़ा है, अच्छा ड्रेस की वजह से, क्योंकि बर्थडे वाले जो ड्रेस होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं तो इस वजह से ये कह रही है कि किसी और का ड्रेस है, ये बड़ों का है, मेरा नहीं है, वो आपका ही है ड्रेस, क्योंकि ड्रेस जो है ना वो ऐसे ही सिलते हैं और ऐसे ही होते हैं। आपका केक जो है ना वो भी आया हुआ है और आप केक जो है वो केक आपने ही कट करना है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई चलते हैं, बच्चे जो है रेडी हो गए, आयत वहाँ पर रेडी होगी। जूते दिखाओ, आपको बच्चों की बर्थडे मुबारक हो एडवांस में आज ही बर्थडे। और माशाल्लाह आप भी प्यारी लग रही हैं इस ड्रेस में, आपका ये ड्रेस बहुत प्यारा है। चलिए तो हमारा सफर जो है जारी है और अभी हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमने इवेंट करना है। और यहाँ के पहाड़ देखे कितना प्यारा है और खूबसूरत नजर आ रहा है, और अबू जो है वो फ्रंट पर बैठे हुए हैं, सब एक ही वैन में जा रहे हैं। जी
तो हम आ गए हैं पहाड़ों के दामन में बर्थडे करने के लिए आयत तैयबा की, और ये देखें किस तरीके से सजाया गया है। तहरा सिस्टर का बहुत कमाल है इसमें, और यहाँ पर इसका डोर बनाया हुआ बैलून से, और ये रहा तैयबा आयत की बर्थडे का। तो अंदर का व्यू कुछ यूँ है, ये देखें अब्बू यहाँ पर बैठे हैं और फारूक भाई यहाँ पर हैं, और सामने स्टेज देखें किस तरीके का बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। तैयबा आयत बहुत ही प्यारा लुक दिया हुआ है, और ये केक एक आयत का है एक तैयबा। तो कैसे हो, ठीक हो, यहाँ का सही है, अच्छा लगा यहाँ आकर? चलो, और अबू यहाँ पर बैठे हैं और हर कोई अपनी अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। और फरूख भाई कैसे हैं? तबीयत से ठीक है, एकदम यस। और सफर तो रहा बस, थक गए, 2-2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचे पहुँचे पहाड़ियों का सफर। और यहाँ अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल, लोकेशन और बस ठंडी हवा, यहाँ की लोकेशन देखें कितना प्यारी है। आप ये देखें गुब्बारों को, देखें कैसे ठंडी हवा में लहरा रहे, इतनी प्यारी हवा है। जैसे जैसे ये हमारे साथ जैसे जैसे सूरज ग्रूब होता जाएगा ना, ठंड बढ़ती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी, और इसकी स्पीड जो है ना हवा की, हवा की स्पीड तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर आप एंजॉय करें, ये बहुत ही ऐसी प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यहाँ ठंडा माहौल है, VIP जबरदस्त है एक बार, थैंक यू। और सामने वाला घर देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें पहाड़ों के दामन में कितना प्यारा खूबसूरत, ओ माशाल्लाह फ्लावर कितना प्यारे लग रहे हैं और खूबसूरत, ये देखें रेड रोज और हल्का पिंक रोज। और यहाँ पर मेरी दोनों बेटियों का जो है शूट हो रहा है, तस्वीरें बन रही हैं, यहाँ पर दोनों फ्रेंड बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। हेलो, कैसे हो? ठीक हो जी। आपके पापा कहाँ हैं? पापा वो नहीं है, नहीं है? और मसला मेरे पापा, फुटबॉल की बातें हो रही हैं। चलो आप बातें करें। माशाल्लाह दोनों डोल प्यारी लग रही है, तैयबा कितना प्यारी लग रही है, देखो इसका फ्रॉक कितना प्यारा है, कलरफुल फ्रॉक है। चलो दोनों का फ्रॉक जो है कलरफुल है और केक के साथ मैच होता है, और इसका बैकग्राउंड जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, ये देखें सामने। और हर कोई यहाँ पर हैप्पी हैप्पी है और बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अभी बस केक कट की सेरेमनी होगी थोड़ी देर में। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या क्या आया हुआ है, ये मेरे ख्याल में हर किसी के गिफ्ट आए हुए हैं। और अभी मेरी वाइफ सितारा का बच्चों के साथ फोटो शूट हो रहा है, पर केक कट की सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आयत तैयबा ने अपने अपने केक जो है वो कट कर लिए हैं, अभी तायरा सिस्टर फैजा सिस्टर मेरी वाइफ के साथ पिक्चर बनवा रही हैं, और अबू को बर्थडे केक दे दिया गया है, अबू बर्थडे केक खा रहे हैं। और मुस्तफा, मुस्तफा ये मोबाइल किसका है? ये उनका है, ये दे दें आपका ये केक, आज आज खा लें। चलो मैं खा लेता हूँ, यहाँ पर मज़ेदार खाना आ चुका है, और अभी हम सब खाना खा रहे हैं, और अबू भी साथ बैठे हैं खाना खा रहे हैं। और यहाँ इसमें जो है चिकन कढ़ाई, और मुस्तफा की, मुस्तफा आपकी फेवरेट देखा, बिरयानी नहीं है, बिरयानी है, बिरयानी नहीं है, नहीं बिरयानी है, आप चेक करें बिरयानी है। और मुझे तो मलाई बोटी और ये रेशमी कबाब जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ बाबर सुनाए खाना कैसा है? नंबर वन ज़बरदस्त है। फरूख भाई आप, आपको अच्छा लगा? चलो इंजॉय करो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सही का खा रहा हूँ, ये देखें एक प्लेट खाली हो गई और दूसरी प्लेट स्टार्ट है। चलो बच्चा आप भी शुरू करें जी, क्या चाहिए? चाय? चलो आपको भी चाय मिलेगी, इन दोनों बच्चों को ना कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है तो ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और अबू को भी चाय पसंद है, और अबू इंजॉय करें खाना। ये तो हमारी वैन जो है वो रेडी है, और सब वैन में बैठ रहे हैं। तो नौशीन सिस्टर का गिफ्ट भी पहुंच चुका है, और इंशाल्लाह इस गिफ्ट की जो है कल अनबॉक्सिंग होगी, और जितने भी गिफ्ट आए हुए हैं बच्चों के, और इंशाल्लाह एक साथ सबकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आप सभी को बर्थडे का भी लोग कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह एक नए भी लोग के साथ मिलूंगा कल, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।